गोस्टिंग और कैटफिशिंग के जमाने में भी डीप डाउन सबको एक ही चीज चाहिए, ट्रू लव। और सच्चे प्यार को राइट स्वाइप करने का ड्रीम डेस्टिनेशन है दिस लिटिल स्लाइस ऑफ पैराडाइज वी कॉल स्प्लिट्स विला। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मीट द गर्ल्स, मी एंड यू। सो फाइनली हम लोग जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन पे, स्प्लिट्स विला 15 के विला पे, एंड सारी लड़कियां इतनी एक्साइटेड थी। हम लोग हॉट एंड टेम्पटिंग 11 लड़कियां एक साथ एक्सप्लोर कर रही थी और मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई थी आकृति से, जो एक्चुअली में आलिया भट्ट लग रही थी। हाय एवरीवन, मेरा नाम आकृति नेगी है। आकृति क्यूट, सेक्सी, हॉट का पूरा मिक्सचर आपने मुझे देखा होगा रोडीज में। एंड नाउ फाइनली आई एम ऑन स्प्लिट्स विला टू फाइंड लव। इतनी सारी हॉट लड़कियों को देखकर तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि भाई जब लड़कियां इतनी हॉट है तो लड़के क्या क्या नहीं होंगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। हाय गाइस, आई एम अनिका फ्रॉम दिल्ली। मैं फैशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ। इफ यू आर गुड टू मी, आई विल गिव माय होल हार्ट टू यू, बट इफ यू आर बैड टू मी, आई एम बैड एज बिच टू यू। मेरे लिए सिर्फ तीन चीजें मैटर करती हैं, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। I've always wanted to be in one of those vintage open cars with my hair flying, so filmy. And I've always wanted कि जब मैं ये सब करूँ, तीन चार कैमरास हो आगे पीछे. It was just amazing. Hello, my name is Kashish Kapoor. Kashish means attraction, so that is me. I think the question should be, what do boys not like about you? And I'd say nothing. I like guys who are fit, good shoulders, good biceps, and good back. That's important. तो मैंने सबको देखा. फर्स्ट मेरा जो इम्प्रेशन था दैट आई एम द टॉलेस्ट हियर। फॉर गर्ल्स आई वांट टू स्टे, इफ यू बी नाइस विद मी आई विल बी नाइस विद यू। लेकिन अगर आपने मुझे ट्रिगर किया देन यू विल सी द बॉस लेडी साइड ऑफ मी। हाय, माय नेम इज रुशाली यादव। आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। आई एम अ प्रॉपर मारवाड़ी गर्ल। मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। आई एम वेरी क्रिएटिव एंड आई एम वेरी पैशनेट। And there we go. MTV Splits Villa 15 का बोर्ड लगा था बड़ा सा। The view was like just wow. इतना प्यारा ड्रीमी ब्रिज था, ऐसा लग रहा था दुनिया से कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस में हमारे लिए ये जगह बनाई है और ये हमारे लिए ही है। हाय, माय नेम इज खाना। आई एम फ्रॉम, वेलकम टू दुबई हबीबी। आई एम जैक ऑफ ऑल। डांस करती हूँ मैं, एक्टिंग मॉडलिंग तो मैं कर ही रही। बियर्ड वाले लड़के बहुत पसंद है, तो अगर उसके पास बियर्ड नहीं होती है तो वो मेरा डील ब्रेक। ब्रिज से जैसे ही नीचे उतरते हैं वहाँ पे इतना बड़ा पूल होता है With 10 villas, but एक उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस विला के आगे लिखा हुआ था नो एंट्री। सबसे ज्यादा जिस चीज ने हमें चुल मचाई थी वो थी कि हर विला के आगे स्क्रीन्स लगे हुए थे एंड वी वर वेरी क्यूरियस क्योंकि उस पे लिखा हुआ था नो एंट्री। द प्रॉब्लम इज कि फॉरबिडन फ्रूट्स टेस्ट द स्वीटेस्ट, वो है ह्यूमन नेचर। तो हमको मेजर चुल थी कि क्यों लिखा है ऐसा, क्या है उस स्क्रीन में और उस स्क्रीन के पीछे। Bro! स्प्लिट्स विला में हम सभी घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। ऑफ कोर्स क्यों नहीं करेंगे, इतना सुंदर लग रहा था। बट एक टाइम तक करेंगे ना भाई, लड़के ले आओ यार, इतना वेट नहीं कर सकती मैं। सब बहुत मजे कर रहे होते हैं, एक दूसरे से वाइब कर रहे होते हैं, तभी वहां पे हमें एक वहीं पे स्क्रॉल पड़ा हुआ दिखता है। There is a scroll. किधर? चलो ठीक है, कुछ ना सही से तो कुछ तो मिला हमें। Are you all excited for me? Hold your horses. पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। What is it? Hello girls. Hi. प्यार के दरवाजे
दरवाजे खुलने के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। तब तक चिल बाय द पूल बिफोर आई कम एंड टर्न अप द हीट। पानी बहुत ठंडा था बट उस ठंडे ठंडे पानी में जब 11 लड़कियां हॉट हो तो you know what I mean. Right into the groove. Some girls fell in the water, some jumped, some cannonballed. The rest of us, we were sunbathing, sipping on mocktails, enjoying and grooving. It was fun. See, beautiful, itni Barbie jaisi lagi. When I saw her in real life, she was even like, you know, more than that. She's so cute, she's so hot, she's the whole package. Pretty. I was seeing Sunny for the first time in real. भाई क्या खुशी थी ना मैं बता नहीं सकती। Sunny was looking sunny in the sunny day. It was nice. Hi girls. Hi Sunny. Welcome to MTV Splitsvilla 15, co-powered by New Me, Fixed Derma Protection, Wildstone Deos and Perfume. Excuse me, please. Villa कैसा लग रहा है? Beautiful. But we are waiting for the boys. I'm also missing somebody. वो इस सीजन जो होगा मेरा पार्टनर इन वाइब. Someone who can make hearts race. Someone all you girls might want to make your squeeze. Sounds good. Of course, it always helps because he's such a snack. Splitsvilla season 15, the master of hunks, bestie of babes, and my co-host, Tanuj Virvani. God, he is so hot, yaar. Beard with the cute, कैसे लग सकता है यार? हम सब गए. आप ही होते मेरे ideal connection. Full सारे criteria वो meet कर रहे थे. और best चीज तो ये थी कि यार वो सिंधी थे. मैं भी सिंधी हूँ. Hi. Hello. So good to be here. पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं भी एक्साइटेड हूँ और मैं भी नर्वस हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी एज वेल. आई लाइक दैट वेयर योर फर्स्ट. हाउ आर यू ऑल फीलिंग? हाँ, नर्वस हो, एक्साइटेड हो? एक्साइटेड. नर्वस नहीं हो? नहीं. चलो झूठे. आई लव हाउ यू गाइस आर लुकिंग एट तनुज. थैंक यू. अगर आपको तनुज को इम्प्रेस करना है कैसे करेंगे? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी. आपके हॉटनेस के चर्चे हिस्ट्री हो जाएंगे. आपके हॉटनेस के चर्चे हिस्ट्री हो जाएंगे. आपके ऊपर रखे कपड़े भी इस्त्री हो जाएंगे. बात तो सही बोली है लड़की ने. हॉट तो वो है ही. पूरा हॉटी हॉटी. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, हाउ वॉज हेवन व्हेन यू लेफ्ट इट? ओके, मैं आपको दिल से दिल तक मात आखे डाडो प्रेम ती करा. सिंधी टू सिंधी, वाह. ये बंदी होमवर्क करके आई है, क्या बात है. तो बहुत अच्छा वाइब्स हो रहा था. और यार सिंधी लव, यार सिंधी लव ऑल द वे. आई गॉट अ पिकअप लाइन. यू गॉट अ पिकअप लाइन? श्योर, गो फॉर इट. डू यू वांट टू कम हियर एंड ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू अमेरिका, how free are you tonight? Har ek ladki na Tanuj ko impress karne ke liye kuch na kuch sochne lag gayi. Even I want to do something, but I think that's very cheesy on the first meet, so I didn't do anything. I just wanted to hear him out. Do you like being impressed by them? Yes, I am actually very impressed. Main bahut impressed hu aap sab se, you know. But I want to know, what dating advice would you give them? Okay guys, dekhiyo, aap sab abhi Splitsvilla mein aaye ho. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है. ओके, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो कमांड करो, डिमांड मत करो, आपको मिल जाएगा. बट यू गॉट टू गिव रिस्पेक्ट इन रिटर्न एज वेल.
गाइस प्लीज, मैं होस्ट हूँ, मैं दोस्त भी हूँ, पर किसी को कभी घोस्ट मत करना. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Do you want to know what my biggest no-no is? Yes, of course. You guys want to know? Yes, of course. Yes. Please. I'm sure all of you ladies agree karenge, but bad hygiene. Of course. Yes. 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 Turn off. Biggest turn off. That's my biggest turn off, yes. Okay guys, तो हमें अभी सनी के नोनोज और मेरे नोनोज के बारे में पता चल चुका है. Now I want to hear from you guys. Hi, I'm Devangini. You can call me Chulbul. It's a bit difficult. Chulbul, क्या बात है? अब से मैं उसको चुलबुल पढ़ने ही बुलाऊंगी. मेरा पास्ट रिलेशन जो था, इट वाज वेरी नाइस. तो फिर पास्ट क्यों हो गया? वो ही चीज थी जो मेरे लिए अब नोनो वाले में आ गई है. इट वाज कि आप जब गुस्से में होते हो तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए. थोड़ा टॉक्सिक हो जाते हो थोड़ा. तो बस आप जब गुस्से में हो तो आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए थोड़े शांत हो जाओ, आप मुझे बाद में समझा दो. नेक्स्ट इज आकृति. ओके मैं. आकृति has been waiting कि यार मेरा नंबर कब आएगा. चलो आकृति आ चुका है. So, मुझे ऐसा चाहिए जो डोमिनेटिंग बिल्कुल ना हो. डोमिनेट अगर करना हो तो वो मैं करूँ, तुम मत करो. और दूसरी बात, मैं जैसी हूँ मैं चाहती हूँ वो मुझे एक्सेप्ट करे. मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ. आप अपनी फेवरेट हो. या वेलकम टू स्पिरिचुअल गीत. And I hope मुझे मेरा आदित्य मिल जाए. So you guys are missing the boys. Well, ladies, they are definitely closer than you think. किधर है लड़कियाँ? Please भेज दो यार, अभी बहुत हो गया, बस करो. Let's reveal the surprise. Okay, so what is this? Man. पीछे स्क्रीन लगी थी जिसपे नो एंट्री का साइन था, उसके ऊपर एक एक करके स्पिरिट एनिमल्स के पिक्चर्स आने लग गए थे. ईगल, द टर्टल, द हॉक. यार इनके नीचे भी लिखा है कुछ गाइस. मैंने बोला कि यार ये हो क्या रहा है, हमको लड़के देखने, हमको ये एनिमल्स क्या दिखा रहे हो भाई. तो मैं आप सबको समझाता हूँ, यहाँ पे 10 स्पिरिट एनिमल्स है, यानी कि 10 बॉयज. ओके. और ये जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, उन्होंने खुद चुने हैं. वो जो लाइन लिखा है, ये बॉयज ने लिखा है. उनके खुद के विचार हैं. ओह माय गॉड. हमने गेस करना है कि हमें सबसे अच्छा कौन लगता है, जस्ट फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल एंड देयर क्वोट्स. व्हिच इज द वन यू थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग? रोशाली, आपका फेवरेट स्पिरिट एनिमल कौन है? आई थिंक इट्स टाइगर. That I promise I won't break your heart. I'll just steal it. I don't like people breaking someone's heart. So that was the main thing which attracted me towards the tiger. सबसे funny, सबसे फुद्दू वाला status और spirit animal किसका लगा? The turtle. The turtle. फुद्दू. My love is like a toilet seat. You shit your feelings on me and I flush them away. What? Who uses this line for their fucking caption? Girls are gonna watch you and you wanna address yourself as a fucking toilet seat? Quite literally, unhone hug diya. Any more jiska pasand nahi aaya, anybody? The moose. I'm a king. With or without you. Okay, aur kyun pasand nahi aaya? Wo akele hi khelne aaya hai. Usko hame zarurat hi nahi hai. You know, irony ye hai ki na, pata nahi, kuch dino ke baad मेरा ही उन्हीं के साथ. फिर कहना ये सब तो मैं बोल दूंगी. हाँ हाँ ठीक है चलेगा. There's one thing that I need to tell you is that you are going to get these and they are called squeeze bands. Basically ये था कि जाओ सीट चेक दो कि कौन सा लड़का पसंद आया उस पर डाल दो मतुम हाथ. तो गाइस, पहला, कौन से स्पिरिट एनिमल को देखना चाहोगे? ऐसे करके एंट्री मारी. एब्स वगैरह भी अच्छे ही लग रहे थे उसके. बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी आंखों में भी देख रही थी मैं. बोले यार ये कितना अच्छा है यार. मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके झपकी ले लूं. Hi guys, my name is Jashwant Bopanna and I'm back with another reality show. आपने मुझे रोडीज में तो देखा होगा. This is Jashwant 2.0 with a fitness look, अच्छे body और शक्ल उस time से भी बेहतर. I'm here to win some hearts, create some love and magic, and obviously show तो जीतना है. I can't go back without trophy this time now. Okay, so आप dance करते हो?
हाँ डांस करता हूँ। Show us your moves. सर कोई म्यूजिक बजा दो प्लीज। DJ, can we have some music? उसने जब डांस किया तो मैंने बोला यार डांस तो बहुत अच्छा कर रहा है यार ये। सारी लड़कियों को अच्छा लगा था, सारी लड़कियाँ उससे इम्प्रेस थी। So girls, कोई जशवंत को अपना स्क्वीज बैंड देना चाहती है? या मैं देना चाहती हूँ। Yes, I want to give. Okay, we have our first band. Wow. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि यार आकृति ने और निधि ने भी प्लान्स दिए। It means a lot because I haven't seen anyone else till now. It's a big deal, guys. तो राखी नहीं है ना भाई? आ गया पहला स्क्वीज बैंड। Yay! बहुत बढ़िया। Okay, so सबसे पहले मैंने बोला था आपके लिए। नहीं नहीं। तो याद रखना। याद रखूँगा। मुझे लगा यार आई थिंक मैं इसके साथ वाइब कर सकती हूँ क्योंकि वो जेंटलमैन था, स्मार्ट था, हॉट था, क्यूट था, आई थिंक सब कुछ था यार, उसमें कुछ कमी नहीं थी। अभी आप लड़कियाँ कैन पिक टू स्पिरिट एनिमल्स टू कम आउट एट द सेम टाइम। टाइगर एंड फाल्कन। सो वी कॉल द फाल्कन फर्स्ट। ओके, लेट्स गो। एंड आई वाज द मोस्ट एक्साइटेड फॉर फाल्कन, ठीक है? क्योंकि द बॉडी लुक्ड ग्रेट. There were certain tattoos and us pe likha hua tha a romantic guy with anger issues. Body body achhi lag rahi thi, tattoos theek lag rahe the and romantic hai, maine kaha chal theek hai, why not. I was so excited. Oh my god, he's so shy. I guess yeah. Itni sari sundar ladkiyan dekh ke sharam aa rahi hai mujhe. So, my name is Addy, aka Addiction. आता तू मैं जल्दी से छूटता नहीं हूँ यार, यार मेरे को जल्दी से होता नहीं, वही ढूंढने आया हूँ, क्या पता यहाँ पे हो जाए। बहुत आशिकी करने वाला हूँ यहाँ पे, सबको देखने को मिलेगा, बाकी मिलते हैं फिर। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट अप पब्लिक डिमांड क्या था, कौन से टाइगर? टाइगर हार आ जाओ। जब टाइगर बाहर आता है तो ऑलरेडी वो एक रोडीज कंटेस्टेंट था, सब जानते थे उसको। उसकी एंट्री वाज अमेजिंग, बड़ा ही क्यूट और हॉट लगा मुझे वो। लीन और मीन मशीन आ चुका है टाइगर, ही वाज लुकिंग वेरी नाइस, उन्होंने जो इतना ज्यादा फ्लेक्स किया बॉडी बॉडी का, मुझे काफी अच्छे भी लगे। हाय गर्ल्स, माय नेम इज शिविर तोमर। आज तक अपनी जिंदगी में बहुत सारी बाजियां खेली हैं और स्प्लिट चला बाजी ही प्यार की है, तो इसे खेलना तो बनता ही था। इससे पहले आप लोगों ने मुझे रोडीज में देखा होगा, वहां तो मैंने बहुत सारे दिल जीत लिए, बस एक ट्रॉफी रह गई थी, तो स्प्लिट चला मैं आया हूँ उतने ही दिल जीतने, साथ में उस ट्रॉफी की भूख है। जीत तो मैं तभी गया था जब मैंने सोच लिया था। तो जितने स्प्लिट चला आ रहे हैं ना, याद रखना एक भूखा शेर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब मेरी बारी आ रही। हाय हाय मैम, यू लुक सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। So my name is Addy. What's your age? My age? Guess karo aap. 27. 23, 24. 21. 19. Oh, you're 19. Sorry, I'm not into younger guys. Bro, ye to bahut. Maine usi time soch liya tha ki abhi thoda din do, tumhe pata lagega. Kya hai ye 19 saal ka bachcha? मैं बहुत रोमांटिक हूँ पर मुझे शेयरिंग नहीं पसंद, अगर मुझे कोई लड़की यहाँ पसंद आ गई या ऐसा कुछ। नहीं यार, मैंने लड़की बोला। आई मीन क्या बोल रहा है भाई, तुझे कितनी लड़कियों की शेयरिंग करनी है भाई? लहंगा पड़ गया महंगा हुआ है। So is there somebody that catches your eye right now? बीच में लड़की बैठी थी येलो कलर की बिकिनी में, बहुत सुंदर थी, तो मेरी निगाहें गई उस पे। द वन इन द मिडल येलो है या दैट वन? या शी इज क्यूट। या शी इज क्यूट। व्हाट्स योर नेम? आकृति। आकृति, या यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। ऑफ कोर्स उसने मेरा नाम लिया, उसको सबसे ज्यादा क्यूट मैं लग रही थी। यू सेड यू डांस, और इज इट डांस मूव शो करेंगे? या फॉर श्योर, लेट्स गो। उधर जा, उधर जा के डांस कर यार लड़की लोग के साथ यार।
जब उसने डांस किया तो चाय टाइप का लड़का लगा मुझे, एंड क्यूट था वो। मुझे बदबू आ रही थी जलने की लड़कियों से कि एक सेकंड यार थोड़ा सा बचा के रखो यार, पसंद कर रहे करने तो क्या दिक्कत है। उसने मेरे को डांस करवाया, अच्छा लगा, बहुत प्यारा मोमेंट था वो, बहुत रोमांटिक भी था। शिवित, यस मैम, कैन यू डू बेटर? आई गेस आई विल इंप्रेस द वन आई लाइक। व्हिच वन इज दैट? श्वेत से ही मिली थी बिकॉज वो है थोड़ा ज्यादा, ही इज मोर आउट देयर। तुम बहुत चमक रहे हो, पता है? बस करो। थैंक यू गॉड। ओह, देन क्लासेस फॉर यू ताकि चुभे ना आंखों में। Someone is in demand. No, no, I know what that is. Yeah, मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत खटकते हो तुम, चमकते नहीं। तो भाई ये बहुत ज़्यादा खटक रहा है मुझसे, इसके पड़बड़ जाएगा एक दोस्त को। आकृति, why did you have a frown on your face? What is the reason behind that? शिवेत से पहले मेरी बात होती थी, रोडीज से पहले भी, of course, friends से ज़्यादा था, but not actually like dating या फिर in love. After the show, इसने बहुत सारी चीजें लाइव में आके बोली थी, जैसे कि ये तो सबसे फ्लर्ट करती है, तू जानता नहीं है। सॉरी, नेवर। मेरे पास वीडियो है भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? अब मैंने बोला है, मुझे पता है मैं क्या बोलता हूँ। मेरे पास वीडियो, तुम दिमाग खाली है क्या तुम्हारा, ऊपर वाला माला? पागल पागल हो गया? That is why I avoid. जबरदस्ती का तेरा ऊपर का माला खाली है क्या? Who talks like that? What are you, fucking 8? But Shivit maintained his calm in that moment. Akriti? Yeah? आप इन दोनों में से कोई बैन देना चाहती है? I mean, अभी तो नहीं, मैं चाहती हूँ कि सारे आ जाए, because मैंने already एक इनको दे दिया है. Are there any other girls that might want to give a ban now, or are you still exploring? आकृति, शिवित, उन दोनों की जिस तरीके से लड़ाई हुई थी, मैंने फिर उस टाइम पे उन्हें बैंड नहीं दिया, क्योंकि मुझे सोचने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए था ना, सो दूसरों की कहानी सुन के लोग चूज कर रहे हैं, टाइम लगेगा। सुनो, मैंने यहाँ पे तुम्हारी किसी से भी कोई बात नहीं की, तुम बात मेरी कर रहे हो, ठीक है? तो तुम अपना मुंह बंद करो। तुम बात इनडायरेक्टली मेरी ही कर रहे हो, और मैंने तुम्हारे बारे में किसी से कुछ भी नहीं बोला। भाई, एक तो ये चूतियों जैसी बातें करता है, उसको लगता है मैं ही सही हूँ। 100 चूतिया मरे हुए तो एक चूतिया पैदा हुआ होगा, ऐसा बंदा है वो। लेट्स कॉल द मूस। जब द मूस बाहर आते हैं तो ही वॉज लुकिंग रियली हैंडसम, आई मीन टॉक टॉल हैंडसम गाय। जंगल में एक ही शेर होता है और इस विला का शेर मैं। हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष, बाय प्रोफेशन आई एम एक्टर, मॉडल एंड एन एंटरप्रेन्योर, प्लस आई एम अ हार्टथ्रॉब। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, इफ यू मेस विद मी आई एम योर नाइटमेयर, आई प्रॉमिस यू दैट। मुझे यही लड़का चाहिए, तुम बाकी सारे लड़कों को छोड़ो। He's a freaking badass. Which spirit animal is next? Hummingbird. Hummingbird, come out. ये टॉल बंदा ऐसे निकल के शाहरुख खान का पोज देता है, ओके क्यूट, ठीक है, अच्छा है, आई लाइक ओल्ड स्कूल, तो दैट वाज नाइस। प्लेयर तो मैं हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको यार, बास्केटबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर जो सिर्फ फील्ड पर खेलता है, लड़कियों के दिलों से नहीं। माय नेम इज देवकरण, नाम तो सुना ही होगा। चैलेंजेस की बाजी तो ये बाजीगर ही जीतेगा, और रही बात कनेक्शन की, तो ये राहुल अपनी अंजलि को ले जाए बिना मानेगा नहीं। सो लेट्स कॉल द रैबिट। Hi guys. मैं अरे भाई रुक 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 मेरे भाई रुक यार, इतनी जल्दी क्या? I'm like bro, शांत हो जा। मैं नर्वस हो गया, मैं नर्वस हो गया इतनी सारी सुंदर लड़कियां देख के। Hey darlings, I loves you. तो थोड़ा bunny likes to jump. भाई आप बहुत ज्यादा सुंदर, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सुंदर हो भाई। हेलो गाइस, मेरा नाम युवराज सिंह बस्सी। प्यार तो मिला था बट कट गया मेरा, तो स्प्लिट में अपना प्यार ढूंढने आया हूँ मैं। बहुत एंटरटेनिंग हूँ मैं, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत ज्यादा दिमाग से खेलता हूँ। बॉयज कम है, कम है, कम है। यू आर अ डांसर? सब कुछ हूँ मैं। सब कुछ हूँ मैं।
डबूस उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया एंड मी बीइंग अ डांसर आई वाज वेरी इंप्रेस्ड आई वाज लाइक जिम जाता है बॉडी अच्छी है डांस भी करता है आई एम लाइक वाओ आ जाओ एसआर के सर हाय गाइस माय नेम इज देव खरत ओह यू लुक लाइक देवानंद आई लुक लाइक देवानंद थैंक यू दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट ओ माय गॉड He was legit looking like Devanand. How will be in a relationship? I'll tell you in a poetic way. कि तुम चाय जैसी मोहब्बत तो करो। मैं बिस्किट की तरह ना डूब जाऊँ तो कहना। Dev Karan, he was actually a very fun guy, very sweet, good guy, genuine guy. मेरे कोई टैलेंट ऐसा तो नहीं है, but टैलेंट ये है कि इतने सारे टैलेंट लोगों में अकेला हूँ, इसमें कुछ जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं है, यही मेरा टैलेंट है। यही मेरा टैलेंट है तो देखो मैं बहुत हरामी टाइप का लग रहा हूँ बट मैं बहुत शाय सा हूँ मैं बहुत शाय हूँ नहीं दिख रहे अच्छा है लेकिन तू किसका बच्चा है छोटू क्या बोल रहे है तेरे को देख के मेरे को कॉम्प्लेन देने का मन कर रहा है दे दे भाई तू भी बहुत लंबा नहीं है टेंशन मत ले हाँ भाई दे दे भाई बाद में तू भी लियो मैं नहीं मानता ठीक है भाई मत बोल हाँ 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 ओके जा ट्यूशन अब ठीक है भाई चल जाऊंगा तू भी 19 साल का मुझसे छोटा है टेंशन मत ले तो मुझे डैडी से बहुत खुंदक सी मची बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका नेचर मतलब ऐसे कौन ही करता है भाई कोई मैंने आज तक देखा नहीं इतना मंदा मीन सा Rabbit, hummingbird, and the moose. Does anybody want to give a ban? We want to explore more. Just want to explore. इस बात से ये भी पता चलता है कि अच्छे लड़कों की ना कोई वैल्यू है नहीं ज्यादा लड़कियां बस दिखावा दिखावा करती हैं इनको पसंद वही लड़के आते हैं जो बिल्कुल रेड फ्लैग्स होते हैं ट्रस्ट मी कोई भी स्टोरी लिखी जाए उसमें होता है या तो हीरो या विलन इस शो का स्टार हूं मैं जब तक हूँ परफॉर्म करके जाऊंगा And I'll give my 100%. I was a little dicey about it कि मैं उसको ban दूँ कि नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसको चने के झाड़ पे भी नहीं चढ़ाना था. Because I like to attract, I don't like to chase. Are there any other girls that might want to give a ban now, or are you still exploring? Somebody wants to give you a ban. तो मैंने अपना first ban को दे ही दिया. I was like, एक से मैं explore कर लूँगी, but एक तो I will give it to him for sure क्योंकि He was very similar to my liking and everything. Green flag. तो जब वो green वाली ने दिया तो मुझे लगा चलो किसी ने तो दिया. But यार to be very honest ना मैं थोड़ा heart broken था क्योंकि मेरी नजर जिस लड़की पे थी उसने मुझे नहीं दिया. शायद मैं उसको impress नहीं कर पाया. Ladies, who do you want to see next? Eagle. Eagle. क्या बात है? Fit, काफी build, काफी अच्छा लग रहा था उसके cheek bones, jawline, एकदम fresh cut, you know, मस्त लग रहा था। Hi, मेरा नाम आयुष्मान है, मैं fitness model हूँ, काफी time से single रहा हूँ। Splitsvilla में आया हूँ अपना connection ढूंढने ताकि वो streak टूट सके। Next, the turtle, yeah, turtle. We all are excited to see the turtle. वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा excited थी इस बंदे से मिलने के लिए, ये जो शौचालय के बारे में जो बहुत विस्तार से बता रहे थे ये अपने caption में Hi guys, this is Adit Minocha and I'm a YouTuber. मैं एक part-time singer भी हूँ, मैं fitness freak भी हूँ. Life में एक चीज missing है and that is love. जिस चीज की आपने मेरी YouTube videos देखी है, मैं उसी का part बनने जा रहा हूँ. And आपको मेरे आगे के YouTube updates अब Splitsvilla से मिलेंगे. कौन सी लड़की ने इसके caption के बारे में कुछ कहा था? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं खुद को भी judge करता. फिर ऐसे कैप्शन रखा क्यों मेरे भाई अरे ना एक्चुअली ना इसमें जगह ही नहीं है मैंने थोड़ा और ऐड किया था इसमें अच्छा इसके अलावा भी था भाई कैप्शन है जन्मपत्री नहीं बट आई एम स्टिल सॉरी फॉर माय शिटी ह्यूमर तो वो बैक कॉन्सेप्ट अच्छा था मेबी द बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स बट आई थिंक मीनिंग काफी क्यूट था नेक्स्ट अप द हॉक पब्लिक डिमांड द हॉक
Hi guys, I am Aniket Pakhring Lama. I am a football player. I am a fitness coach, like a very lovable person. I will always pamper my girl. I'll try to keep her happy. The entry bahut hi sahi tha, sweet tha, bahut sweet banda hai. All right, now ladies, I want you guys to call the lion out. He's last but not the least. 1, 2, 3, go. टॉल लड़का, चार्मिंग, बियर्ड थी. जैसे ही बाहर आया एक बार तो आंखों में सितारे आ गए थे मेरे की यार, कितना जोरदार लग रहा है. He's a shit. उसकी पर्सनालिटी, ओह माय गॉड. वो जब चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितने आदमी थे. This is my place. So hello guys, मैं हूँ आपका अरबाज पटेल, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ. I have 1.7 million followers. Alright boys, come. क्यों यार इतना लेट मेरे को? लायन पसंद नहीं है क्या आप लोग को? Save the best for last, आजा. जंगल का जो शेर होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है और उसको शेरनी ही शांत करती है. तो वैसी शेरनी चाहिए मेरे को यहाँ पे, शांत करने वाली और क्यूट और रोमांटिक मेरे को बनाने वाली. और वो मिल गई तो फिर जंगल में जैसा शेर शेरनी को राज करने तरस. तो आप अपनी शेरनी को शेयर नहीं करोगे किसी के साथ? शेयर नहीं करेंगे. क्या बात है गाइस, आई लाइक द कॉन्फिडेंस वैल्यू. अच्छा तो बॉयज, कोई है जो इसे चैलेंज करना चाहता है? Any of y'all, can y'all challenge this guy? I can't look at him, मैं चैलेंज क्या करूँ? देखो यार, ऐसे देखना पड़ रहा है. देख लो यार, देख. अरबाज की हाइट पता नहीं 6.5-7 feet, पता नहीं वो कहाँ, वो दूसरे फ्लोर पे और मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ एट दिस पॉइंट. तो मुझे लगा कि यार ये तो अपना जोन ही नहीं है, इधर तो अपन जीत ही नहीं सकते, यहाँ कुछ नहीं हो सकता. आप में से किसी को हॉक को बैंड देना है? No, I think that's enough of silence, so that's a no. अपने आप को खुल के present नहीं कर पाया, इसी वजह से मेरा थोड़ा पत्ता कट गया था. Next is I can sing as well. किसी को सुनना है तो मैं गाना गा सकता हूँ तुम्हारे लिए. मेरे हगे हुए caption के बाद तो मैंने expect नहीं करा था कि मुझे कोई band देने वाला है. मैं बोला भाई guitar लेके आओ, अब तुम्हारा भाई गाना गाएगा. मुझे पहले शीटी लगा था. अच्छा. But he sings well. पहले फ्लश अभी ब्लश. एक बैंड मिल गया एंड मतलब मैं बोला ठीक है चलो इज्जत बच गई, क्योंकि यहाँ जीरो बैंड वाले भी लोग थे एंड आई डिडंट वांट टू बी वन ऑफ देम. Does anybody want to give a band to the eagle? It was nice. I felt that he was a good performer. तो मैंने दे दिया उसको बैंड. The beast is for the last, the lion. Does anybody want to give the lion a band? क्या करोगे बैंड का रखते? शेरनी अभी सो रही है, जग जाएगी तो दे देगी. अच्छा अच्छा अभी सो रही है. चलो कोई बात नहीं, जगा दूंगा. मुझे लगा था कि मुझे बहुत सारी लड़के स्क्वीज बैंड देगी, बट कोई हाथ ही नहीं उठा रहा था स्क्वीज बैंड देने के लिए. ओह देयर्स वन बैंड. थैंक यू. फिर एकदम से एक लड़की का हाथ ऐसे ऊपर आता है जिसका नाम था कशिश. Thank you so much. Pleasure. And दे तो दिया band present. He had more jewelry in his one hand than I had on my entire body. But that's nothing new. I don't make great romantic choices, unfortunately. Otherwise, I wouldn't have been here, right? Ladies, there are no more boys coming out today. So, अगर आपको किसी को band देना है, then you can make that choice. अब गेम पूरी लड़कियों के हाथ थी एंड गर्ल्स आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट. उन्होंने अपने बैंड वेस्ट नहीं किया, उन्होंने सब लड़कों को देखा और डिसाइड किया कि अब हम किसको बैंड देना चाहिए. कितना हसी चेहरा है तुम्हारा, हर दिल दीवाना है तुम्हारा. लोग कहते होंगे कि चांद का टुकड़ा हो तुम, मगर सच कहूं तो चांद टुकड़ा है तुम्हारा. कशिश ओके फ्रेंड्स बढ़ते जा रहा है. क्या बात है. थैंक यू. The reason I like your tattoo. Thank you, ma'am. तो मुझे सबसे पहला बैंड मिलता है कशिश से. I feel like क्या? Okay. और बैंड आने वाले हैं bro. अगर इससे आ गया तो औरों से भी आने वाले हैं. Woohoo! Boys in demand. Shivit. Third band मिलता है मुझे अनिका से. Girl जो मेरे को सबसे ज़्यादा cute लगी थी. Why? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत flirty है. मैंने सुना है कि वो काफी अच्छा फ्लर्ट करते हैं. मेरे को ये चैलेंज उनके लिए बनाना था कि इफ यू आर विद मी यू नो गोना फ्लर्ट विद एनी अदर गर्ल.
The other one, I want to give this to Harsh. Second band मैंने हर्ष को दिया because he is a really good dancer और वो काफी अच्छे भी थे बात करने में. You want to dance with me? Yeah, yeah, for sure. उनके साथ मैंने डांस भी किया जो कि बहुत ही अच्छा था एंड वी शेयर्ड सम गुड मोमेंट्स टुगेदर. नेक्स्ट इज रुशाली. आई वुड लाइक टू गिव माय बैंड फर्स्ट टू हर्ष. द मोस्ट अवेटेड बैंड फ्रॉम रुशाली. ट्रस्ट मी, मेरी खुशी ना टॉप स्काई पे थी. मुझे सबसे पहले एक लड़के में उसकी पर्सनालिटी पसंद आती है एंड आई थिंक हर्ष में वो बात है एंड आई वांट टू एक्सप्लोर इट मोर. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू विशाली, तुमने इस काबिल समझा मुझे. अब मुझे किसी बैंड की जरूरत नहीं थी. आई फील लाइक द किंग ऑलरेडी इन द विला. सेकंड बैंड आई वुड लाइक टू गिव इट टू शिवित. आई मीन ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ बैंड्स बट इफ ही इज वाइजर ही विल चूज द राइट कनेक्ट. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. वाओ, थैंक यू, थैंक यू. एक के बाद एक, व्हाट्स गोइंग ऑन. मैं थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि शुरू में उनको कोई बैंड नहीं मिला और सडनली बैंड मिल रहा है. And I was like, यार अभी टेबल टर्न हो रहा है. दूसरा बैंड भी इसी को देना चाहिए. Can't give it to the same guy twice. Hey, 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 hey. You have to give one of the bands to somebody else. तो एक्सप्लोर कीजिए और किसी को दे दीजिए. सनी मैम और तनु सर ने बोला कि ये अलाउड नहीं है तो आप अपना बैंड किसी और को दे दो. बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा था. मुझे ये बैंड आरी को देना है. मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऐसे किसी के बीच में जाना. यार आई डोंट वांट टू बी एनीवन सेकंड चॉइस. और उसका दिल वैसे ही वहां पे है तो वो मैं कैसे ले लूं. वो वाला बैंड मुझे पहले मिलता ना तो मैं उसे दिल से लेता. किसी की उतारी हुई चीज तो मैं बिल्कुल ना एक्सेप्ट करता चाहे वो अभी हो चाहे वो शो के बाद में. Have you gone mad? Have you gone mad? This is crazy. Like bro, come on. पहला दिन है, कनेक्शन बना नहीं है. Of course वो अपने ऑप्शंस खुली रखेगी. मैंने तो फैक्ट बोला यार. I don't want to give it now. Very good, very good. मेरा मूड ऑफ हो चुका था क्योंकि वो डिसरेस्पेक्टफुल लगा मुझे. I want to give it to you. Just one. थैंक यू. आप पंजाबी हो? नहीं. ये मौका हर बार नहीं मिलता कि एक और बैंड मिल सकता है ऐसे और वो भी किसी और की गलती की वजह से. सो ऑब्वियसली आई टेक इट राइट. आप जो आकृति, या हु डू यू चूज? आई विल चूज एडी. उस बंदे के अंदर इतने गट्स थे कि उसने सारी लड़कियों में से सिर्फ और सिर्फ मुझे स्पेशल फील कराया. मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं ये बैंड इसी को ही दूंगी. इसकी वैल्यू अब पूरे वेला को देखने को मिलेगी. आखिरी तक रखूंगा चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा कनेक्शन किसी से भी बने. आकृति ने मुझे वो एक बैंड दिया, मैं उसका वैल्यू आखिरी तक करूंगा. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इशिता, आप किसे अपना बैंड देना चाहते हो? Like to give it to Yashwant. जैसे जो बैंड दिया, I was like, yes, I'm back. Tables were not turning. It was 24 seconds, but I'm still on top. बंदा क्यूट है. डांस भी करता हूँ. डांस अच्छा लगा. इसका एंट्री बहुत सही था. इसमें दो बैंड्स और मिल जाते हैं जिससे उसके पास हाईएस्ट बैंड्स हो गए थे. आई गेस कितना टाइगर बन लो, लड़कियों को कुत्ते ही ज्यादा पसंद आते हैं. स्टार मैं भी हूँ भाई, शोका डोंट वरी. बेटा सभी स्टार होते हैं लेकिन सुपरस्टार एक ही होता है और वो मैं हूँ. दिस इज द फर्स्ट नाइट इन स्प्लिट्स विला. वेलकम. We're so excited. Absolutely. My new co-host. Very, very excited about him. We're going to have so much fun this year. So boys and girls, we're going to leave you to it. And so squeeze us, please. Have fun. ये सब इतने खुश लग रहे थे ना. They must be thinking इतने सारे options हैं explore करने के लिए. Because they don't know that हमारे पास वो लोग हैं that they've not managed to ghost. Actually, they don't know that we have something a little more. Or should I say something extra? No, it is something, but it's also someone. Uh-huh. Excuse me, please. The Mischief Ki Rani is back in Splits Villa to throw out the rules and flip the script. Splits Villains is season se expect to bahut kuch kar rahe honge. But unke plans mein main milane wali hoon. मस्ती, मिर्च और मसाला स्वाद अनुसार. उनके नहीं,
मेरे स्वाद अनुसार। मिस्चिफ मेकर का पहला मूव, अ बंच ऑफ ओल्ड फ्लेम्स जो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या आग लगाने वाले हैं। वो स्प्रिट्स विलन्स को अपने एक्सट्रीम्स तक पुश करेंगे और उनके पास्ट को एक्सपोज करेंगे। ट्रस्ट मी, द विला इज ऑल सेट फॉर एन एक्सप्लोजन ऑफ ड्रामा। नाउ इफ यू गाइस विल एक्सक्यूज मी प्लीज।